लगता है 3 का 4 नंबर कह रहा है कि किस चक्रीय समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने समकोण के बराबर होता है। ठीक है, तो पहली बात कह रहा है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज, तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज जब भी बनाइएगा ना तो उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, आप देख लीजिए, क्योंकि वो कब छुएगा, जब वो या तो आयत होगा या वर्ग होगा तभी, है ना। वो चक्रीय कब होगा, जब वो आयत होगा और वर्ग होगा तभी ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज अगर इस तरह से बनाएंगे तो अगर वृत्त ऐसे खींचेंगे तो दो ही शीर्ष को छू सकता है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आयत भी तो एक समांतर चतुर्भुज का ही ना रूप है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, तो या तो आयत होगा या तो वर्ग होगा, तो आयत या वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बराबर होता है आपको पता ही है, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ एक समकोण के बराबर है, कितने समकोण के बराबर, एक समकोण, यानी कि इसका आंसर हो गया।